मॉर्निंग मॉर्निंग जय स्वामी। सुबह सुबह मैं कितनी केले और लगी बे सवर सवर में बेच केली हूँ नो मनो बाकी निकले इन्हें तो सात आठ केली जो ये ते हवा न बोलो माँ चार केली तो मने खबर हुए ने हाँ ना पड़े भाई। हेलो दोस्तों, वासी वासी गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। पल सोया हुआ है, रेखा खाना खा रही है, पापा ने खाना खा लिया है। तो अभी मैं मेरा सुंदर सा सुविचार नहाने के बाद बताता हूँ। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं तो भाई मॉर्निंग मॉर्निंग में श्री स्वामीनारायण भगवान के दर्शन करते हुए सुबह का बज गया है 9:05 और गाड़ी काफी लेट हो चुकी है। जय श्री स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवान के दर्शन करते ही मैं श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कराते हुए मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास। मम्मी मम्मी को नमस्कार करते हुए मैं मेरे दिन की रोज की तरह स्टार्ट करता हूँ। अभी खाने के लिए बैठता हूँ। तभी सुबह की भाकरी बन गई है, चाय रेडी हो गई है, पलगी चाय भी रेडी हो गया है, और रेखा पसीने से बेहाल हो गई है। तो तुम्हें गर्मी कितनी हो रही है? आज मॉर्निंग में बादल वाला वातावरण हो गया है और संभावना हो सकती है कि कहीं कहीं बारिश होए तो अच्छी बात है, क्योंकि सौराष्ट्र में काफ़ी जगह पे गारियादार है भाई, बोटाद के पास है, और धंधोका बरवाड़ा की साइड भी काफ़ी बारिश हुई है, और लाठी के पास भी भाई काफ़ी बारिश हुई है। समाचार मैंने देखा है, काफ़ी बढ़िया है। सैटरडे को भीम 11 है तो काफ़ी बढ़िया आनंद लेने वाले हैं। तो अभी काफ़ी गांव में बारिश हुई और अच्छा, वहां की भीम 11 सैटरडे के दिन है, और भीम 11 के दिन भी हमारे सौराष्ट्र में काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है। वावणी की सीजन भी होती है और खेडूत तो काफ़ी खुश रहते हैं, और भीम 11 से पहले जब वावणी हो जाती है तो काफ़ी बढ़िया माहौल बन जाता है कि भाई फसल जैसे जल्दी पकती है और बारिश साथ साथ में साथ देता है, तो हमारे भाई खेडूत मित्र को काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मैं खाना ख़त्म करके मैं एक बढ़िया सा उखाना बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग का मेरा उखाना है, एक छबील वृक्ष पर बैठी उचेरी एक डाल, जोईने मन ललचावे, हाथ मा आवता पड़े लाल। तो बताओ दोस्तों, आप उखाड़ा नो जवाब शू हसे। मिलेंगे सीधा दोपहर, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। पल और रेखा तुम्हें आगे आगे ले चल। तो भाई अभी काफी बादल है, शायद बारिश हो सकती है। अभी ये क्या बनाया? लिंबू अभी दाल दाल टोकरी उकल रही है और ये कटिंग हो रहा है। टोकरी हो के भाई तो जूस बनाव छु ढोकळी खाकर नाखीन बनावानो।
बनावा माटे शीको सुधार्या अने हवे हाकर दळेली अने हवे दूध साकर दळेली तो अभी मैं घर पे आ गया हूँ। गोपी भाभी सब लोग आ गए हैं और बज गया है एक। तो अभी मैं बैठ गया हूँ खाने के लिए दाल टुकड़ी और पल भाई खाने बैठ गए हैं। सब लोग खाने बैठ गए। गोपी भी जा रहे हैं बैठ गए। दाल टुकड़ी अभी बर्तन साफ कर रही है और कब आई थी 11 बजे आ गई। अच्छी बात है। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? नहीं रुकेगी। अभी काम से आई हो तो फटाफट चली जाएगी घर। क्यों? कोई बात नहीं है। काल से तो ले आओ मुझे। तब क्या रहा उसे हुए? ले मुझे। कोई बात नहीं। आवता रही जो हमें मौज करता रही। बाय बाय। अभी जा रहा हूँ शॉपिंग। रेडी हो गया है क्या मम्मी? बनाओ सैंडविच नो। ये तेल रखा? ये अक्षर ग्रिल सैंडविच। सादी सैंडविच बनावानी से अपने। आदु मिर्ची नो पेस्ट। मसालू लेवा दो भाई। ले लो भाई। अभी वीरा तो अंदर एसी में बैठ गई है। हाँ टाटा कह दे तो। वीरा टाटा। एसी चालू करके वीरा अंदर बैठ गई है। टाटा वीरा टाटा। अभी राय अभी डाली राय। इंग नाखी रही छे मम्मी। इंग इंग लिमडी गरम मसाला एक थोड़ी हल्दी हल्दी और ये गाजर ने कोबी। गाजर और कोबी आदू मिर्ची बाकी रही। पासो लो नमक लिया पाउडर काम थे का मम्मी। दाल चटनी खाता हूँ मम्मी एक बार। हूँ खाऊ ये क्या डाला? मिक्स करवानी। और किसी ने बेल बजाया और मम्मी गई। और अभी चलते हैं वीरा के पास। खोल जो ठंडो ठंडो। वीरा लाइट कर दीजिए। ये करी लाइट। वीरा खेल रहा है। हाय वीरा। हाय लाओ पापा। Oh,
मम्मी अभी वीरा खेल रही है और मम्मी और आज मम्मी का है बर्थडे बर्थडे है ना आपका हाँ हैप्पी बर्थडे थैंक यू बेटा अभी दाणा ने कटिंग करवानू छे हेलो दोस्तों, तो अभी घर आ गया हूँ। बज गया है 7:45 और दर्शन, जयंती भाई, वीरा सब लोग घर पे आ गए हैं। अभी पापा खाना खा रहे हैं और यहाँ सैंडविच बन रही है। क्या बन रहा है? अभी घर पे आ गए हैं जिंदी भाई, वीरा एंड फैमिली। तो अभी काफ़ी खाएंगे साथ में सैंडविच, और मैं पहले जाता हूँ नहाने के लिए, काफ़ी गर्मी है। अभी नहाना धोना खत्म हो गया है और मैं बैठ रहा हूँ खाने के लिए। वीरा तेरे को सैंडविच खाने की है? सैंडविच खाने की है? क्योंकि सैंडविच फटाफट खाने की है उसको। सैंडविच दो, सैंडविच लो। ये वीरा की सैंडविच आ गई गरम से, हमें राइडू लगी। सैंडविच क्यों लगी वीरो? ठंडी से तो अंदर से नकर। देखो अभी खाने के लिए रो रही थी। अफ्रीकन भाषा में बोलती है को को का को। अभी वीरा सो गई है। ए वीरा, वीरा अभी घर जाने के लिए रो रही है। खाने में बनाया था सैंडविच, तो जयंती भाई और पूरा फैमिली आए थे। परसों हम उनके घर गए थे, आज वो हमारे घर पे डिनर के लिए आए थे। और पूरा दिन रहा था और वीरा के काफ़ी नखरे देखे, तो काफ़ी बढ़िया मजा आ गया है। सर जो मेरा उखाना था उसका राइट आंसर है नाना नाना बाळको, जे माता पिता ने बधाने वाला होय छे अने खूब बधुं घणुं बधुं होय छे। अने आजनी बेस्ट कॉमेंट आपी छे धर्मसिंह भाई पटेल, तो तेઓએ ખૂબ સરસ લખી છે। कल की जो मैंगो थी वो भी भूल गया था, तो एक दिन निकल गया है। पर जाली वाला है तो कोई टेंशन नहीं है, वरना कैरी जैसे जैसे दिन जाता तो वो पकती नहीं है बराबर, तो सॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। साड़ी केसर है और काफी बढ़िया मैंगो है। ये वलसाड़ की मैंगो है और काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया है। तो भाई हम वहां से तीसरी बार मैंगो आई है, मेरे सब ब्लॉग के अंदर तुमने देखा है कि मैंगो काफी बढ़िया है, पर ये अलग जगह से आई है।
ये पकेगी तो मालूम पड़ेगी कि ये लोट की कैरी कैसी है। कोई बात नहीं है, तो अभी मैं इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर। तो अभी Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going. तो अभी नीचे से मैंने कैरी स्टोर कर दिया है बॉक्स के अंदर और मैंगो काफी अच्छा दिख रहा है। फल थोड़ा छोटा छोटा है पर काफी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों आज का मेरा उखाड़ा का आंसर कल ब्लॉग के अंदर आप लोग बताना। और का मेरा जो उखाड़ा था उसका राइट आंसर है नाना नाना बालको, मतलब मैं चाइल्ड लोग, चिल्ड्रन। तो जिन जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है व्यूअर्स का नाम ले रहा हूँ मैं। तो विके भाई, सागर पारेख, ठाकुर सिंह भाई मेपाणी, धर्म सिंह पटेल, काफी लोगों ने राइट आंसर दिया है। तो सभी व्यूअर्स को मेरा जय स्वामीनाथ, जय श्री कृष्ण सीताराम, ऐसे ही आंसर राइट आंसर देते रहिए। कल की कमेंट में भी राहुल भाई प्रजापति ने सुपर 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 लिखा था, तो वो मैं कमेंट आज भी बताता हूँ। कॉमेंट करो छो तो अमने बहुत खूब सारस लगे छे अने आवी नावी कॉमेंट करता रहो अने अमारा व्लॉग ने आगळ वधारता रहो। तेवी शुभेच्छा साथे सूरतवासी लोगों ने सैटरडे बोले तो काले, मतलब मां आजे तमे व्लॉग जोई रहा छो तो आजे तमे मारा ग्यारस निर्जला एकादशी नी शुभकामनाओ। ग्यारस है तो कल भीम ग्यारस भीम के नाम पर क्यों पड़ी और कैसे मनाया जाता है तो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ कि निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है और भीम के नाम से क्यों भीम एकादशी हो गई, थोड़ा बताने जा रहा हूँ। भीम को लगा कि वह इस तिथि का व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे थे। भीम अपनी समस्या का समाधान खोजने की आशा में महर्षि वेदव्यास के पास गए। महर्षि व्यास ने निर्जला एकादशी व्रत के महत्व पर बल दिया और उन्हें इसे करने की सलाह दी। तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों बस आज इतना ही, मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहे। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण सीताराम, बाय बाय, आओ जो